स्थान है ये ये गुप्त वृंदावन ये स्थान का बोलो गुप्त वृंदावन अर्थ होलो यदि केहू वृंदावन धाम रे परिक्रमा करे केवल तिनी वृंदावन धाम रे ही केवल तिनी फल प्राप्त होवे किंतु यदि केहू नवद्वीप धाम रे परिक्रमा करे तिनी एक संगे दुई धाम रे परिक्रमा तिनी फल प्राप्त करबे वृंदावन धाम रे तो परिक्रमा पावे नहीं तार संगे संगे आदमी श्री नवद्वीप धाम रे परिक्रमा फल पावे एकन प्रश्न होचे एही धाम टी होलो की अभिन्न धाम बोले एटा होलो जे जन्नु दीप होलो भद्रवन भद्रवन अर्थ होलो जे बनेर अधिष्ठात्री देवता होलो ने स्वयं बलदेव प्रभु आर एही जे स्थान बसे छेन एही स्थाने एटा की स्थान एटा होलो वृंदावन रे एटा होलो भांडरीवट आपनारा भांडरीवट किए थाकबेन भांडरीवट होलो जेखाने कृष्ण तिनि जे वृक्ष नीचे तिनि बसे समस्त गोचारण करते एवं सखा देर संगे तिनी गोपी देर संगे जेखाने सुंदर सुंदर लीला करेछिलेन जेखाने ब्रह्मा तिनी जेखाने राधा कृष्ण के सेखाने तारा विवाह सेखाने कराए एई जने एखाने एले भक्ति होले नए प्रकार भक्ति यदि नवद्वीप धाम के परिक्रमा करे तिनि समस्त नवविद्या भक्ति मिली फल प्राप्त करिवे एखाने जे एसे यहाँ जो आए हैं यहाँ परिक्रमा करने से कौन सा भक्ति का फल प्राप्त होगा बोले वंदनाक्ष भक्ति जे वंदनाक्ष भक्ति को जरा अंकुर जी भगवत प्राप्त किए थे इसलिए वंदनाक्ष भक्ति है आप लोगों ने श्रवण किया कि अभी जन्नू नगर का बात आप लोगों ने श्रवण कर रहे थे हर साल में जन्नू देवी का कथा सुनाता हूँ जब ये जाना भी जो श्री गंगा देवी है जगत में क्यों किसी जगत में श्री गंगा देवी आए यदि इसको एक तो कथा भी है भागवत में दूसरी कथा में दूसरे पुराण में ये गंगा आई क्यों कारण क्या है दूसरे पुराण में आया है जब ब्रह्मा जी उन्होंने आदेश दिया दक्ष प्रजापति को सृष्टि की क्रम को बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले 10,000 पुत्रों को उन्होंने सृष्टि की बोले जाओ नारद जी को पास में जाकर के तुमने विद्या अध्ययन करो नारद जैसे गुरु जी को पास में अगर कोई विद्या अध्ययन करने के लिए आए नारद तो पक्के हाँ भगवान कृष्ण भक्त हैं उनका जब अध्ययन समाप्त हो गया बोले देखो तुम लोग को संसार करने जा रहे हो समझ बूझ करके जाओ नहीं तो संसार में फंस जाओगे फिर तो उन्होंने बड़ी उन्होंने क्रिटिकल उन्होंने प्रश्न किया है जिसका एक प्रश्न लेकर उतरा उठा दूसरा है तो उन्होंने प्रश्न किया ये बताओ ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमा रहे हैं लेकिन वो चक्र अपने आप घूम रही है बोले बता सकते हो कौन सा चक्र है कौन सा चक्र है यदि ये काल चक्र है जिसको कोई नहीं घुमाते हैं जो चक्र अपने आप घूम रहे हैं बताओ तो